हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण को डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब क्या है? समाजीकरण का मतलब यह कि कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी देश है, कोई भी संस्कृति है या कुछ भी सभ्यता है, ये सभी चीज़ें किसी ना किसी बेसिक प्रिंसिपल रूल को लेकर फॉलो करती है, सब उसके आसपास ही जुड़ी हुई रहती है। तो कैसे हमारे समाज का निर्माण होता है, कैसे हमारे देश का निर्माण होता है या कैसे हमारी संस्कृति में फैली हुई सारी चीज़ें, रीति रिवाज, अवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं, इन सब के मिलने से जो परिवेश पैदा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? समाज। समाज मतलब ये लोग नहीं है, ये सोसाइटी नहीं है, ये देश नहीं है। समाज मतलब समाज एक विचारधारा है कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। समाज को हम लोगों में या सोसाइटी में या कल्चर में डिवाइड नहीं कर सकते। अब समाजीकरण का मतलब क्या है कि सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, वो हर एक नियम जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, जिसको हम एक अच्छा बिहेवियर मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि भाई एक एजुकेटेड पर्सन के द्वारा किया गया बिहेवियर है, तो वो सारी चीज़ों का अधिग्रहण करना, सामाजिक नियमों को अपनाना, उनको पाना, उनमें अपने आप का कॉन्ट्रीब्यूशन डालना, या समाज जिन जिन रीति रिवाजों को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, देश जिन नियमों को मान रहा है, उसी चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करते जाना, समाज की विचारधारा के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना, इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। यानी हमारे समाज में प्रचलित हर एक विचारधारा जो अच्छी है तो उसको अपनाओ और आगे बढ़ते जाना, ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की फॉर्मेशन ही, सोसाइटी को बनाना ही समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण से मतलब सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन। कि जब एक बच्चा अपने घर में, तो घर में अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों से, यानी घर की सोसाइटी से जुड़ा है, और जब वो बच्चा घर से बाहर स्कूल में जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब पर जाता है, तो एक नई सोसाइटी में एंटर करता है। तो एक इंसान का घर के अंदर, घर के बाहर, सोसाइटी के अलग अलग लोगों के साथ या अलग अलग कंडीशंस में जो एडजस्टमेंट है और कोऑर्डिनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण। तो इसको कई परिभाषाओं से हम व्यक्त कर सकते हैं। रॉस के अनुसार कि सोसाइटी में हम क्या सहयोग करते हैं आपस में मिलकर, तो सहयोग करने में ये जो सहयोग की भावना है कि भाई कैसे लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास, कि हम लोग एक टीम वर्क करें, एक साथ मिलकर काम करें, और ये कंसेप्चुलाइजेशन, इसको ही हम समाजीकरण कहते हैं। यानी सहयोग करने में जो सहयोग की भावना है, इसका विकास करना, एक साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास करना और इस कंसेप्ट को फैलाना, यही कहलाता है हमारा समाजीकरण। समाजीकरण कब शुरू होता है? समाजीकरण की अवस्थाएं क्या होती है? तो समाजीकरण की अवस्थाएं शैशवाकाल, प्रारंभिक काल, उत्तरा बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन स्टेजेस को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। यहाँ पर डिटेल में ना जाते हुए कि जब बच्चा शैशवाकाल अवस्था में होता है, यानी 2 साल तक की एज का होता है, तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलता है, मिलता है, खेलता है, देखता है, इससे वो अपने जैसे या अपनी उम्र के या सोसाइटी या अलग अलग लोगों के साथ पहली स्टेज में सोसाइटी से रूबरू होता है, सोशलाइजेशन होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसको स्कूल में भेज दिया गया, अलग अलग धर्म के, अलग अलग परिवार के, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे स्कूल में आते हैं, उनके साथ टिफिन शेयर करना, बातचीत करना, पढ़ना, खेलना, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोशलाइजेशन होगा, कैसे टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन होगा। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, बच्चा 5th में चला गया, 6th में चला गया, अब उस बच्चे की लाइफ घर पर कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, टीचर्स के साथ कुछ और है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और है, तो अलग अलग सिचुएशन में जो अलग अलग रूप अपने ऊपर लाता है, यही क्या है? समाजीकरण की पहचान, कि वो सोसाइटी में सबके साथ सोशल हो रहा है। किशोरावस्था एडोलेसेंस, जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल में, टीनेज में सबसे ज़्यादा दोस्त बनते हैं, और सबसे ज़्यादा दोस्त बनने के कारण क्या कि इंसान समाज के साथ जुड़ना चाहता है, सामाजिकरण में विश्वास करता है, वो सोसाइटी के फ्लो को समझना चाहता है, उसके साथ बहना चाहता है। तो ये सब हम समाजीकरण और उसकी अवस्थाओं में देखते हैं। समाजीकरण कितने प्रकार का होता है? समाजीकरण 2 प्रकार का, प्राथमिक समाजीकरण यानी
प्राइमरी सोशलाइजेशन, द्वितीय या गौण समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि वो सोशलाइजेशन जो एक बच्चे का अपने घर से होता है, अपने घर के फैमिली मेंबर्स, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो उसके घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसको सिखाते हैं कि सोसाइटी में ये बात या ये बिहेवियर क्या है एक्सेप्टेबल है और ये चीज़ें अनएक्सेप्टेड है, तो आप उसको अपने अंदर लाओ और गुण बच्चे के अंदर आना। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब बच्चे का घर से बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकलते के साथ ही वो स्कूल में जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, कॉलेज में पढ़ता है, जॉब करता है, बॉस के साथ है, तो वहाँ पर जो उसका सोशलाइजेशन होता है, कैसे अलग अलग लोगों के साथ वो अलग अलग विचारधारा के साथ अलग अलग टेक्स्ट के साथ डील करता है, इसी को हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। इनके बारे में डिटेल मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन और ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। सोशलाइजेशन में हम आगे इसकी टाइप्स, थियोरीज, जो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, सबको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।